आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश फाइन आर्ट में। मेरे सारे फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा था कि आप एक ट्यूटोरियल बनाइए, तो इसलिए मैं आज के एपिसोड में इस पोर्ट्रेट का ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो इसके लिए चाहिए क्या, सबसे पहले आप ऑयल स्केच पेपर पे लाइटली ड्रॉ कर लीजिए। ये जो पेपर है ये ऑयल बेस्ड पेपर है, वाटर प्रूफ, इस पर आप वाटर कलर नहीं कर सकते हैं। तो ऑयल कलर के लिए देखिए, मैं ये कलर यूज़ करने वाला हूँ, ये कैमल का आर्टिस्ट ऑयल कलर है, ये बहुत ही अच्छा कलर होता है। और इसमें मिक्स करने के लिए लिंसिड ऑयल चाहिए। ब्रशेस मैं यूज़ करता हूँ ब्रुस्ट्रो का, ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश होते हैं, इससे पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत होती है। तो मैं पहले से ही कलर यहाँ निकाल के रखा हूँ, ये वाइट, डीप येलो, गैम्बोज येलो भी बोलते हैं इसको, ये रेड है, ब्लैक, ये क्रिम्सन रेड है। मैं आज के एपिसोड में मैं बेसिक से बताऊंगा कैसे कलर मिक्स करना है आपको। स्किन कलर बनाने के लिए आपको वाइट में हल्का डीप येलो मिक्स करना है और रेड। इसे फेस में तो बहुत सारा कलर टोन आता है, कलर टेक्सचर आता है, तो उसके हिसाब से डार्क लाइट आप दो तीन शेड बना लीजिए। लेकिन मैं इसमें सबसे पहले ब्लैक और रेड को मिलाकर इसका आउटलाइन करूँगा, जहाँ जहाँ डार्क एरिया है वहाँ टेक्सचर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो डार्क टोन आपको अप्लाई करना है शुरुआत में, तो ज़्यादा सॉफ्टली करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाद में ये मिक्स हो जाएगा मीडियम कलर से। ऐसे मैं जितने वीडियो अपना बनाया हूँ पेंटिंग का, ऑयल पेंटिंग का, वाटर कलर का, सारे के सारे टाइम लैप्स हैं। तो सभी का कमेंट आता है कि एक ट्यूटोरियल बनाइए, बेसिक से बताइए, इसलिए मैं अब कोशिश करूँगा कि इस तरह का ट्यूटोरियल ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। एकदम रफली इसमें आउटलाइन जैसा कर दीजिए। इसके बाद हम लोग मीडियम टोन मिक्स करेंगे स्किन का, तो ये अपने आप मर्ज हो जाएगा।
ये हल्का टोन देने के बाद डार्क कलर का, अब मीडियम कलर मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर। स्किन कलर का मीडियम टेक्सचर, जब मीडियम टेक्सचर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखें कि खुद ब खुद डार्क कलर का जो आउटलाइन है उसमें मर्ज होता जाएगा। इसके बाद इसमें लाइट टेक्सचर देंगे, स्किन का लाइट टोन, इसमें वाइट ज़्यादा रहेगा, हल्का सा रेड जिससे थोड़ा सा पिंकिश टोन आए। ये जो चिक्स के एरिया है यहाँ पर आपको घुमाना है थोड़ा ऐसे ऐसे करके, थोड़ा सा कर्व ब्रश घूमेगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लगना चाहिए थोड़ा सा उभरा हुआ है, हल्के हाथ से ब्लेंड भी करते जाना है इसको। शुरुआत में बहुत टफ लगता है लेकिन जब आप दो तीन पेंटिंग बना लेंगे तो यही आपको बहुत ही इजी और सॉफ्ट लगने लगेगा बनाना। वाटर कलर से ज़्यादा आपको ये बनाने में अच्छा लगेगा ऑयल पेंटिंग। ये कलर जल्दी सूखता नहीं है, 4 से 5 दिन लगते हैं इसको सूखने में, तो आप वेट ऑन वेट टेक्निक से नहीं कर पाएंगे।
फर्स्ट लेयर देने के बाद आपको इसको छोड़ना पड़ेगा 2 दिन कम से कम सूखने के लिए, ताकि सेकंड लेयर जब इस पे आप चलाएं तो उसका इफ़ेक्ट आ पाए। अदरवाइज़ गीले कलर में बार बार ब्रश चलाने से वो इफ़ेक्ट नहीं आ पाता है, क्योंकि बेस तो गीला है। आप जितना ब्रश उस पे चलाओगे उसमें मर्ज होता जाएगा, इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो फाइनल टच देने के लिए कलर को सूखने देना पड़ेगा। जहाँ जहाँ घूम रहा है लाइन, वहाँ वहाँ आपको ऐसे ऐसे करके कर्व ब्रश घुमाना है। ये फर्स्ट लेयर है तो इसमें उतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखेगा, बस एक बेस हम इसके लिए तैयार कर रहे हैं। जब सेकेंड कोटिंग देंगे तो इसका खूबसूरती बढ़ेगा। कलर बहुत सॉफ्ट रहता है, इसको आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं।
इस पेंटिंग का पहला कोटिंग कंप्लीट होने वाला है और इसका फाइनल टोन देने के लिए 2 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सूखेगा नहीं तब तक इस पे हम लोग फाइनल टोन नहीं दे पाएंगे। गीले में अगर शेडिंग करने स्टार्ट किए डार्क और लाइट कलर का तो इफेक्ट अच्छा आएगा नहीं, उसे मर्ज होता जाएगा और स्किन टोन अच्छा से उभर कर आएगा नहीं, इसलिए इसे 2 दिन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये गीला है। देखिए अभी भी गीला है। ऑयल पेंटिंग करते समय बहुत धैर्य की आवश्यकता है, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे जल्दी से कंप्लीट कर दे हड़बड़ा करके तो फिर पेंटिंग में वो लुक नहीं आ पाएगा, खूबसूरत नहीं लगेगा। पेंटिंग में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, इसे खूबसूरत बनाने के लिए बहुत समय देना पड़ता है। जितना आप समय देंगे एक पेंटिंग में उतना ज़्यादा इसकी खूबसूरती निखर कर बाहर आएगी। अभी ये खूबसूरत नहीं लग रही है क्योंकि ये पहला कोटिंग किया हुआ है, जब तक इसमें हम लोग फाइनल टच नहीं देंगे तब तक ये सुंदर पेंटिंग नहीं लगेगा, इसलिए इसे सूखने देने पड़ेंगे।